हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू माय चैनल। सो आज आप देख रहे हैं, हम तय कर रहे हैं अभी गाउन, क्योंकि पहले हमें लगाना है ऑटोक्लेव। एंड यहाँ पे मैंने कुछ इस तरह से किया कि मैंने सर को बोला कि सर आप ऑटोक्लेव लगा दीजिए, बट मैंने थोड़ा मैं चेक कर ली थी। बट चेक करने के चक्कर में मैंने क्या किया, जो भी गाउन तय करके उन्होंने अच्छे से लगाई थी उसको ऑलरेडी मैंने सबको खोल दिया, बट मेरा माइंड थोड़ा सही हो गया और उसके बाद मैंने इसको दोबारा लगाया। एंड मैंने उनको बताया इनको कैसे लगाना है, क्योंकि हमें स्ट्रिप लगानी होती है। एंड स्ट्रिप में हम उसको देखते हैं कि हमारी स्ट्रिप ठीक है एंड ऑटोक्लेव ठीक है हमारा, सारी चीज़ें हमें देखनी होती हैं। तो अभी आपको शायद बैकग्राउंड में साउंड आ रहा होगा सीटी का, देन ऑटोक्लेव हो रहा है हमारा। और यहाँ पे हम अभी तैयार कर रहे हैं ये, तो पहला हमने जो आप लगाई थी अपने और सारे इंस्ट्रूमेंट वगैरह, वो हमारा ऑटोक्लेव हो रहा है। तो हम शीट को ठीक से रखेंगे, क्योंकि अगर हमारी शीट ठीक से नहीं हो तो हमारा ऑटोक्लेव सही नहीं होगा। तो हमें चाहिए, हमारे आज पेशेंट हैं, हम अभी 10 लगा देते हैं इसमें, 10 कट शीट इसमें लगा देंगे, बाकी कट शीट हम दूसरे में लगाएँ, क्योंकि ज़्यादा हम उसको ज़बरदस्ती इसमें ज़्यादा शीट नहीं रखेंगे, एक सही तरीके से रखेंगे ताकि हमारा ऑटोक्लेव सही है, हमारी स्ट्रिप बिल्कुल पॉजिटिव आए। सो यहाँ पे आप देख रहे हैं, मैं यहाँ पे इनको जो कट शीट है हमारी वो सही करके रख रही हूँ, एंड इनको हम यहाँ पे काउंट भी करेंगे। तो अगर शीट हमारी ये कट शीट सही से होंगी तो हमारा हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड दूसरा, अगर हम इसको ज़्यादा रख देंगे, एक में ज़्यादा भर देंगे, तो वो अच्छे से स्ट्राइल नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पे मैं देख कर रही थी चेक, क्योंकि मैं बहुत टाइम बाद यहाँ पे मैंने सोचा ओटी में एक बार देख लेती हूँ ऑटोक्लेव वगैरह कैसे कर रहे हैं ये लोग, बट चेक कर लेती हूँ। बट जैसे मैंने आपको बताया, चेक करने के चक्कर में मैंने सारी ही गाउन खोल दी थी, दोबारा सब रख दी यहाँ पे, ये रख दिया। फिर मैं इसको करूँगी काउंट, एंड उसके बाद ये कैसे लगाते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊँगी। तो फाइनली यहाँ पर हो गया, मैंने इसको एक बार चेक कर लिया कि भाई ड्रम को मैंने सही कर दिया। एंड उसके बाद हम निकालेंगे यहाँ पर स्ट्रीप इंडिकेटर। स्ट्रीप इंडिकेटर मैं यहाँ पर निकाल चुकी हूँ, एंड एक स्ट्रिप हम यहाँ पे रख देंगे। स्ट्रीम इंडिकेटर यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको हम रख देंगे ऊपर, इसको हमें खोलना नहीं है, हम इसको ऐसे ही रख देंगे और हमें पता चल जाएगा। यहाँ पे सर, यहाँ पे इसको लिख रहे हैं कितनी कट शीट है हमारी, एंड डेट वाइज हमें, जैसे कि आज है 14 फरवरी, मीन्स आज वैलेंटाइंस डे भी है, एंड वैलेंटाइंस डे वाले दिन हम करेंगे ओटी। तो यहाँ पे हमारी कट शीट लग चुकी है 10, बट उन्होंने इसमें गलती से 14 कट शीट लिख दिया है, बट कोई नहीं, मैं उसको सही कर दूंगी। यहाँ पे ये ले आए हैं कट शीट, और ये हमारा हो गया ऑटोक्लेव। एंड ऑटोक्लेव में अभी ये इसको हम रख देंगे। तो पानी हमारा ऑलरेडी हमने मिनरल वाटर लिया था, क्योंकि मिनरल वाटर हमारा ऑटोक्लेव में मिनरल वाटर ही हमें डालना चाहिए। तो हमने पानी रख दिया, स्ट्रिप रख दी उसके ऊपर से, एंड यहाँ पे हम इसको कर देंगे लॉक। तो यहाँ पे लॉक करने के बाद फिर हम देखेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे अच्छे से देख लेंगे ऊपर सारा, इक्वली सबको लगा देंगे, पूरा अच्छे से लॉक कर देंगे ताकि स्टीम बाहर नहीं आए। अगर हमारी स्टीम बाहर नहीं आएगी तो हमारा ऑटोक्लेव अच्छे से होगा, इसमें हमारे सीटी भी अच्छे से आ जाएंगी। बट कभी कभी पेशेंट को लगता है कि लगता है हम लोगों के लिए दाल बन रही है, बट ऐसा नहीं होता जनरली ऑटोक्लेव होते समय। तो मैं इसलिए सुबह ही ऑटोक्लेव के लिए बोल देती हूँ कि आप सुबह ही ऑटोक्लेव लगा दीजिए, ताकि अगर उस टाइम पर 10 बजे के बाद पेशेंट आना शुरू हो जाते हैं, ताकि उनको ये नहीं लगे कि भाई दाल बन रही है, हम लोगों के लिए दाल भात तैयार हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अच्छे से लगाने के बाद हम प्रॉपर एक्सटेंशन वो यहाँ पे लगा देते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ हमारा ऑटोक्लेव का दूसरा एरिया जो अभी रेडी हो रहा है। एंड यहाँ पे भी हम अपना दूसरा स्क्रबिंग एरिया में ऑटोक्लेव कर लेते हैं, बट वहाँ नहीं करना चाहिए, बट वो हमारा एरिया अभी रेडी हो रहा है। तो यहाँ पे अच्छे से एक्सटेंशन बोर्ड लगा दिया, एंड एक्सटेंशन बोर्ड लगाने के बाद यहाँ पे स्विच को कर देंगे ऑन। तो यहाँ से हम कर देंगे स्विच ऑन, और स्विच ऑन करने के बाद ये जो सामान रखा है अभी, ये हम दूसरे उसमें रख देंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा हमें जितनी ऑन लगानी थी और जितनी कट शीट लगानी थी, जितनी फुल शीट लगानी थी।